ओम नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष बृहस्पतिवार सप्तमी तिथि शाम 6:46 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा सुबह 6:38 तक अश्लेषा नक्षत्र में चलते रहेंगे। तत्पश्चात मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिन का नक्षत्र मघा नक्षत्र में ही चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, धनवान, माता पिता के भक्त, स्वाभिमानी और हर सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं। ऐसे जातक स्पष्टवादी, साहसी मगर भावुक और शीघ्र ही क्रोधित हो जाने वाले होते हैं। हर कार्य करने में तत्परता दिखाने वाले, उच्च स्तर की आजीविका प्राप्त करने के इच्छुक, गुप्त कार्यों में लगे रहने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। ऐसे जातक खाने पीने के शौकीन मगर चिंताग्रस्त मन स्थिति वाले और उन्नति में बार बार बाधाओं के शिकार होने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा सूर्य और केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज सुबह 6:38 तक कर्क राशि में चलते रहेंगे। तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 2.5 दिनों तक सिंह राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के चंद्रमा पर मंगल की सप्तम दृष्टि कायम रहेगी और नक्षत्र केतु का होगा। साहस और आत्मविश्वास बना रहेगा। हर कार्य करने के प्रति तत्परता जाहिर होगी, मगर मानसिक व्यग्रता, हर कार्य करने के प्रति जल्दबाजी और अनावश्यक भाग दौड़ भी बना रहेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। विभागीय अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाने वाली होगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और सफल महसूस करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के मन में चल रहे अंतर्द्वंद, उतावलापन, मानसिक उथल पुथल और भ्रमात्मक स्थिति से सामना करना पड़ेगा, मगर आपकी कोशिश और आत्मविश्वास से रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। तार्किक क्षमता बढ़ेगी और नई कार्य योजनाओं का विस्तार होगा। साझेदारी सफल रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। सरकारी सहयोग और पारिवारिक प्रेरणा में कमी महसूस करेंगे। अच्छे कामों में पूंजी निवेश और बच्चों के भविष्य पर खर्च की संभावना भी बनती है। कुछ मामलों में आलस्य या अवरोध की स्थिति संभावित है। विद्यार्थी ऊर्जावान महसूस करेंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। भावावेश को नियंत्रित करें और वाहन सावधानी से चलाएं। चंद्रमा वृष राशि से चौथे भाव में चल रहे हैं। आपकी सक्रियता और कार्य क्षमता व्यावसायिक उद्देश्य के साथ ही घर गृहस्थी के रचनात्मक कार्यों के प्रति भी केंद्रित रहेगी। मानसिक रूप से स्थिर होकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बौद्धिक क्षमता और प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति आपके हर काम में मददगार साबित होंगे। नई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। मांगलिक कार्यक्रम के लिए समय अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आपके प्रयास और आत्मविश्वास से आर्थिक निवेश की कई लाभकारी योजनाएं सामने आएंगी। पारिवारिक प्रेरणा और पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के जातक मानसिक रूप से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे। नकारात्मक विचार और भ्रमात्मक स्थिति खत्म होगी। आर्थिक लाभ के कई अवसर मिलते जाएंगे। सामाजिक दायित्व बढ़ेगा और सम्मानित किए जाएंगे। चंद्रमा का केतु के नक्षत्र में होना और उस पर मंगल की दृष्टि आर्थिक उन्नति और नई कार्य योजनाओं के विस्तार में सहायक होगा। संतान संबंधी चिंता संभावित है, मगर आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। शत्रु पक्ष हावी रहेगा, मगर पारिवारिक सुख संतुष्टि महसूस करेंगे, मगर वाहन सावधानी से चलाएं।
सिंह राशि के जातक मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। खासतौर से पेट संबंधी मामलों में दिक्कत हो सकती है। व्यावसायिक अनुकूलता आर्थिक लाभ के लिए प्रेरित करेगी और नए लक्ष्य निर्धारित होंगे। संबंधित मामलों में अनावश्यक यात्रा का योग बनता है। आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल है। परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में लाभ के साथ संसाधनों पर व्यय और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। चंद्रमा 12वें भाव में चल रहे हैं। अति आत्मविश्वास महसूस होगा और बात बात पर तर्क करने की प्रवृत्ति बढ़ी रहेगी, मगर व्यावसायिक मामलों में सुधार का दौर जारी रहेगा। भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। सकारात्मक प्रयास से प्रोन्नति के अवसर मिलेंगे। मित्रों व सहयोगियों से अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धर्म कर्म और मित्रों पर खर्च भी संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि के जातकों के रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में आ रही रुकावटें खत्म होंगी, मगर मन का अंतर्द्वंद आपके कार्य क्षेत्र और ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं। अच्छे कामों में वित्तीय निवेश के लिए सहयोग मिलता जाएगा, मगर व्यावसायिक अनियमितताएं भी संभावित हैं। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। आर्थिक लेन देन व महत्वपूर्ण कागजातों को ध्यान से पढ़कर उसका निपटारा करना चाहिए। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन में आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के निजी मामलों में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। मन का अंतर्द्वंद कम होगा। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र के विकास और उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नवीन कार्य योजनाओं और साझेदारी के लिए समय अनुकूल है। अपनी क्रियाशीलता को हर हाल में बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यावसायिक संसाधनों में वृद्धि होगी। रुके हुए सरकारी कामकाज संपन्न होंगे और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक रहेगी। नए प्रस्ताव सामने आएंगे। साझेदारी सफल रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामले अनुकूल रहेंगे। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। मकर राशि के जातकों की सक्रियता बनी रहेगी और कार्य योजनाओं में सफलता हासिल होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर स्वभाव में उग्रता को नियंत्रित रखना चाहिए। शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा संभावित है, मगर कभी कभार संतान संबंधी चिंता, मन में नकारात्मक भावों का आना, कार्यों में रुकावट और आत्मविश्वास में कमी की संभावना भी बनती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज की शुरुआत दृढ़ आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिक प्रभाव से होगी। रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं में कुछ विषयों पर प्रयास सफल होंगे। आर्थिक पक्ष सहयोगी रहेगा। धन संबंधी मामलों में अचानक लाभ संभव है। साझेदारी सफल रहेगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा। सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की दिनचर्या सामान्य रहेगी। चंद्रमा के छठवें और केतु के नक्षत्र में होने से मानसिक व्यग्रता, नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कार्य क्षेत्र में लापरवाही की प्रवृत्ति बनी रहेगी। आत्मविश्वास और सक्रियता प्रभावित होने से रचनात्मक कार्यों में बाधा संभावित है। हालांकि सुख संतुष्टि बनी रहेगी। व्यावसायिक अनुकूलता और आर्थिक पक्ष आपकी क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर करेगा। विभागीय अधिकारियों से सहयोग व धन लाभ मिल सकता है। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें।
साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।